वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत। साहित्यिक रूप से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। इसी भाषा से एक महान विचार की उत्पत्ति हुई है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा हैं। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार, कुनबा। इस प्रकार वसुधैव कुटुंब का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है या विश्व एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु एक ही परिवार का हिस्सा है। मूलतः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की संकल्पना भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी पर मानवता का विकास। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करें और एक दूसरे के विकास में सहायक बने। परिवार के सदस्य एक दूसरे को पीछे धकेल कर नहीं वरन एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार के इसी रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए तो वह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। इस अवधारणा को अपनाकर हम सभी के लिए एक बेहतर, अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। भागदौड़ से भरे और इस विकासशील विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की महत्वपूर्णता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। वसुधैव कुटुंबकम संदेश को आज विश्व स्तर पर माना जा रहा है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत ही तेजी से राष्ट्र, जात पात, संस्कृति की बाधाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। आज हमारा समाज वसुधैव कुटुंबकम संदेश का पालन करके एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने को तैयार है जहां सभी के साथ समान रूप से और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है। भाईचारा, एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर हम असमानताओं को कम कर सकते हैं तथा मानवता के मूल्य को समझ सकते हैं। विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी से भरे विश्व का निर्माण करेगी। यह लोगों को समान लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने और खुद को एक बड़े वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी से प्रभावित 2023 में आयोजित G20 सम्मेलन की मुख्य थीम वसुधैव कुटुंबकम है। अमीर हो या गरीब, हर किसी को यहाँ जीने का अधिकार है। इसीलिए वसुधैव हमें यही सिखाता है, सर्वधर्म एक समान है। लोगों में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना हो और समस्त विश्व एक ही परिवार है। धन्यवाद।